हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। अगर आप भी बहुत ज़्यादा मिर्च और मसाले वाला गोश्त खाकर बोर हो चुके हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए बेस्ट रेसिपी होने वाली है, क्योंकि आज इस मटन को हम बहुत ज़्यादा माइल्ड स्पाइसेस के साथ बना के तैयार करने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मटन लिया है मैंने और इसे बहुत ही अच्छी तरह से धो लेंगे। और एक साइड मैंने कुकर में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, और जब ये तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डायरेक्ट गोश्त डाल देंगे। हमें यहाँ पर प्याज और खड़े मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालने हैं। थोड़ी देर हम इसे तेल के साथ भून लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे देखिए, गोश्त का कलर पिंक से वाइट हो गया है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच लहसुन और अदरक के पेस्ट का यूज़ करा है, और 5 से 7 मिनट हम इसे मसाले के साथ भून लेंगे अच्छी तरह। और इसके बाद हम इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो चलिए डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। 1 छोटा ही चम्मच हम यहाँ पर भुना और पिसा हुआ जीरा भी इसमें डालेंगे। और इसके बाद मैंने 1 छोटे चम्मच खड़े धनिया को भूनकर और पीसकर इसमें ऐड करा है। और इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को काटकर यहाँ पर डाल दिया है। और इसके बाद मैंने 3 हरी मिर्च को भी इसमें ऐड कर दिया है। मेरी हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, आप हरी मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। और इसके बाद ये फ्रेश दही 1 टेबल स्पून। दही इसमें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास दही ना हो तो आप 1 टमाटर ज़्यादा डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें भुनाई वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। 5 मिनट बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बस हमें इतना डालना है कि ये गोश्त गल जाए और नीचे से जले ना। तो मैंने यहाँ पर 100 ml पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और कुकर का लिड अब बंद कर देंगे। इसे हम बंद करके बहुत ही अच्छी तरह से गलाएँगे। 1 प्रेशर आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और टोटल 3 से 4 सीटी आने के बाद हम गैस स्टोव को बंद कर देंगे और एक बार गोश्त को चेक कर लेंगे। तो कुकर को खोलने के बाद एक बार चेक कर लें कि गोश्त गला है या नहीं। अगर गोश्त ना गला हो इस पॉइंट पे तो आप इसे दोबारा से बंद करके गला सकते हैं। और यहाँ पर मैंने भी गोश्त को चेक कर लिया था, गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। और अगर गोश्त गलने के बाद आपको लगता है कुछ पानी एक्स्ट्रा अभी भी बचा है तो आप इसे हाई फ्लेम पर खुश्क कर सकते हैं। तो मुझे भी कुछ पानी इसमें एक्स्ट्रा लग रहा था, तो मैंने भी इसे हाई फ्लेम पर रख दिया है ताकि पानी एवेपोरेट हो जाए। और यहाँ पर मैंने दोबारा से 3 हरी मिर्च ऐड कर दी है। मेरी हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आपको भी इसका टेस्ट पसंद हो तो आप भी इसे ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है गोश्त में। और यहाँ पर हमारा नमकीन गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस स्टोव को ऑफ कर दें। और ये बहुत ही हमने माइल्ड स्पाइसेस के साथ बना के तैयार किया है, इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस नहीं है। इसके बाद भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो कभी भी अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे, आप ज़्यादा मसालेदार ना खाना चाहें, तो इस तरह से गोश्त बनाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।